दिल्ली के रामलीला मैदान में आज इंडिया गठबंधन की रैली हुई। इसमें सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी भाषण दिया और उन्होंने ईडी की कस्टडी से आए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के संदेश को पढ़कर सुनाया। सुनीता केजरीवाल ने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने देश की जनता को 6 गारंटी दे दी। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो इन 6 गारंटियों को अगले 5 साल में पूरा किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने इन 6 गारंटियों में बड़े वादे किए। आइए उन 6 बड़े वादों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। पहला वादा यह है कि 24 घंटे फ्री बिजली मिलेगी। ईडी कस्टडी से अरविंद केजरीवाल ने पहली गारंटी ये दी कि पूरे देश में 24 घंटे बिजली मिलेगी, कहीं भी पावर कट नहीं किया जाएगा, बिजली बार बार आने जाने की टेंशन से मुक्ति मिलेगी। दूसरी गारंटी है गरीबों के लिए फ्री बिजली। अरविंद केजरीवाल की दूसरी गारंटी है कि देश में हर गरीब को फ्री में बिजली दी जाएगी। बिजली का इस्तेमाल करने के लिए उसे कोई पैसा नहीं देना होगा। देश के हर कोने में गरीबों के लिए फ्री बिजली होगी। तीसरा बड़ा वादा उन्होंने किया कि हर गांव मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनेंगे। केजरीवाल की तीसरी गारंटी ये थी कि देश के हर गांव और मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे, गरीबी और अमीरी फर्क नहीं रहेगा, हर बच्चे को सरकारी स्कूल में अच्छी एजुकेशन मिलेगी। चौथा ये है कि हर गांव मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खुलेगा। केजरीवाल ने अपनी चौथी गारंटी में वादा किया कि हर गांव मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाया जाएगा, हर जिले में मल्टी स्पेशलिटी सरकार अस्पताल बनाएंगे, हर किसी के लिए फ्री इलाज की व्यवस्था होगी। पांचवा, किसानों को वो MSP दिलाएंगे। दिल्ली के केजरीवाल ने कहा कि किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सभी फसलों की MSP उचित दाम में मिलेगी, किसानों को न्याय दिलाया जाएगा, उन्हें उनकी फसल का दाम दिलाया जाएगा। वहीं केजरीवाल ने अपनी छठी गारंटी में कहा कि दिल्ली के लोगों ने अन्याय सहा है, हम दिल्ली के लोगों को उनका हक दिलाएंगे, दिल्ली वासियों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।